हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी फ्रेंड रंजना। तो फ्रेंड्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं नए और पुराने, सबको बहुत सारा शुक्रिया फ्रेंड्स, इतना सारा चैनल को प्यार देने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोराइड के ऊपर, कि हमको नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से फ्लोराइड का जो बॉडी में इनटेक कम से कम हो। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने इस ओरिके टूथपेस्ट के बारे में। इस पर हम और भी एक वीडियो बना चुके हैं और उसका लिंक मैं आपको फ्रेंड्स शेयर कर दूँगी। और सबसे पहले तो ये, क्योंकि नेचुरल है जैसे हमको पता है, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन इस पर सिर्फ हम बात करने वाले हैं फ्लोराइड के बारे में। और इसमें साफ साफ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लिखा भी हुआ है कि ये नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट है, जैसे कि मैं दिखा दे रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, और मैं इसकी एक पिक भी लगा दूंगी। तो ये नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट है। फ्लोराइड हमारे बॉडी को किस तरह से डैमेज करता है, सबसे पहले तो एग्जांपल मैं ये दूंगी, जो रेड पॉइजन होता है उसमें फ्लोराइड का यूज़ होता है, तो इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना डेंजरस है। दूसरी बात कि जो जितने भी फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट होते हैं, उसमें लिखा होता है कि आप बिलो 5 ईयर्स के जितने बच्चे होते हैं उनकी पहुँच से उसको दूर रखिए। अगर उन्होंने उसको निगल लिया है तो आप उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए। तो हम इसे, जो चीज़ हम डेली यूज़ करें सुबह शाम, तो हम एक जहर ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, और वो जहर क्या असर दिखा रहा है। तो हम आज जानेंगे कि जो फ्लोराइड है हमारी बॉडी को किस तरह से डैमेज कर रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। जो फ्लोराइड होता है उसमें जो टीथ में एक एनेमल होता है उसको वो डैमेज कर देता है, जो टीथ को सुरक्षा प्रदान करता है और सेंसेशन जैसा फील नहीं होने देता, एक परसी जमी होती है और उससे टीथ वाइट वाइट भी लगते हैं हमारे, तो उसको कैविटी जमना स्टार्ट हो जाती है। कैविटी के बाद धीरे धीरे क्या होता है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होने लगते हैं टीथ के ऊपर और हमारे जो दांत हैं वो टूटना वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप ही। तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। और दांतों से खून आना, मसूड़ों की प्रॉब्लम होना, ये सब इसके कारण ही होता है। आगे देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दर्द होना, चलने में दिक्कत होना, पैर में दर्द होना, सर्वाइकल की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम, और जोड़ों का जो हमारे जो लचीलापन जो आजकल दूर हो चुका है, हड्डी का बढ़ जाना, ये सब ऑस्टियोपोरोसिस में आता है और ये सब फ्लोराइड के कारण ही होता है। और धीरे धीरे, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, फ्लोराइड को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना चुके हैं, मांसपेशियों को पर बहुत खराब इसका असर पड़ता है और एक्टिवनेस नहीं होती, थकान से फील होती रहती है हमारी मांसपेशियों में, जकड़न से फील होती है, ये इसी के कारण होता है। कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है, उसको डैमेज करने का काम करता है। रेड ब्लड सेल को भी प्रभावित करता है और जो हमारे जो शरीर में जो खून बनने की प्रक्रिया होती है उसको स्लो कर देता है और साथ ही साथ हम एनीमिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है इसका एक साइड इफेक्ट। और साथ में पाचन तंत्र पर बहुत ज़्यादा असर डालता है, जैसे पेट में दर्द होना, दस्त लग जाना, सोच में आता में खून आना, पेट में गैस बने लगना, जी घबराना, मुंह में छाले, भूख कम लगना और सर दर्द, ये सब प्रॉब्लम भी जो हमारी जो स्टमक से रिलेटेड है, पाचन तंत्र की जो प्रॉब्लम्स है हमारी, ये सब किस कारण है, ये सब है फ्लोराइड के कारण, जो हमारी बॉडी का रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुका है। और हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, डैमेज करता है, जैसे घबराहट होना, हमें डिप्रेशन का शिकार होना होने लग जाते हैं, हाथ और पैरों की उंगलियों में झंझनाहट है, कंपन होना, ये सभी इसी के कारण होता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित क्योंकि फ्लोराइड करता है, उसका ही ये प्रभाव है। और मेंस में इनफर्टिलिटी को जन्म देता है और शुक्राणुओं को भी ये प्रभावित करता है। इस कारण ये जो फ्लोराइड है ये हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर डालता है, धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से वीक करता है, कमज़ोर करता है और तोड़ के रख देता है। तो उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स, हम जो है नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट को ही चुनेंगे या फ्लोराइड टूथपेस्ट को अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे दिन डेली का हिस्सा है, दिन में 2 बार हम टूथपेस्ट करते ही करते हैं और फिर हम फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट करके अपने आप को, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। तो आगे से आइए हम सब चूज़ करें अपना फेवरेट टूथपेस्ट। फ्लोराइड्स के इतने सारे साइड इफेक्ट्स को देखिए, जो कि हमारे घुटनों से रिलेटेड, हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, हमारे फर्टिलिटी से रिलेटेड, हमारे पाचन तंत्र को डैमेज करना, टीथ को डैमेज करना, हमारे खून की कमी पैदा कर देना, तो इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें हैं ये हमारे रोज़मर्रा में जो हम फ्लोराइड यूज़ कर रहे हैं टूथपेस्ट उसके कारण हो रही हैं। तो क्यों ना संकल्प करें कि हम नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और आइए सब लोग ओरिकेयर को अपनाते हैं, नॉन फ्लोराइड टूथपेस्ट को नेचुरल की तरफ चलते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी और क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन उसका टाइमली मिलता रहे फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक, होपफुली उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।